हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम सिस्टम लॉन्चर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो एक हफ्ते पहले ही मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला था जहाँ पर एक न्यू सिस्टम लॉन्चर का अपडेट रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर जो उसका बिल्डर नंबर देख सकते हैं 4.27 पॉइंट यहाँ पर समथिंग देखने को मिल जाता है। उसके अंदर जो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता था जिसके अंदर एलिगेंस, बैलेंस, मिनिमलिस्ट, यहाँ पर जो मिनिमलिस्ट ऐसा कुछ यहाँ पर नाम है, तो ये जो ऑप्शन देखने को मिल जाते थे। लेकिन गाइस, उसे जो अब जो चेंज कर दिया है मैंने, जो यार एक एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है जो कि सिस्टम लॉन्चर की है, जो अभी फिलहाल लेटेस्ट यहां पर रिलीज कर दिया है, जिसका बिल्डर नंबर यहां पर देख सकते हैं वर्जन नंबर 4.37 पॉइंट समथिंग आगे कुछ लिखा है, जो कि प्रीवियस वर्जन का आप लोगों को मैंने शो कर ही दिया है, लेकिन इसका जो है डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जो वहां से उसे डाउनलोड करके अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी यार, आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यहां पर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि यार यहां पर ही मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहता हूं वीडियो बनाने से पहले। और यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, मैंने जो अपने फोन के ऊपर जो ऑलरेडी उसे इंस्टॉल कर दिया है, मैं जो आप लोगों को यहां पर दिखा भी देता हूं, एप्स के अंदर चले जाता हूं, मैनेज एप्स के अंदर चले जाता हूं और यहां पर जो लिख देता हूं सिस्टम लॉन्चर, तो यहां पर देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर जो 4.37 वाला जो वर्जन इंस्टॉल है। अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो डायरेक्टली यहां से अनइंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसे जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और आप बाय डिफॉल्ट आप लोगों का जो वर्जन चल रहा है फोन के साथ उसके ऊपर जो आप स्विच हो सकते हैं। बाकी गाइस, इसके अंदर जो चेंजेस की बात करें तो यार चेंजेस में यहां पर जो आप लोगों को स्मूथनेस जो काफी अच्छी यहां पर देखने को मिलने वाली है, यहां पर देख सकते हैं कहीं भी आप लोगों को लैग वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप जो ओपन कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को एकदम स्मूथ यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। आप जो अगर गेस्चर यूज करते हो तो काफी अच्छा यहां पर जो आप लोगों को रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलने वाला है, जो कि यहां पर काफी अच्छा है। बाकी यार, यहां पर iOS जैसे एनिमेशन आप लोगों को अपने फोन के ऊपर जो यूज करने, तो यहां पर आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। मोर्स के अंदर चले जाने के बाद यहां पर जो एनिमेशन का यहां पर जो स्केल ऑप्शन देखने को मिल जाता था उसका नाम यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को अब जो चेंज देखने को मिल जाता है एनिमेशन स्पीड के नाम से। और इसके अंदर जो अब जो आप लोगों को वही सेम ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बट इसका जो नाम यहां पर देख सकते हैं रिलैक्स्ड, बैलेंस्ड एंड फास्ट ऐसा चेंज कर दिया है, जो कि प्रीवियस अपडेट के अंदर यहां पर आप लोगों को अलग देखने को मिल जाता था, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को शो कर दिया है। तो ये जो यहां पर देखने को मिल जाता है, बाकी यहां पर रिलैक्स के ऊपर आप लोग जैसे क्लिक कर दे तो एकदम आप लोगों को स्मूथ यहां पर एनिमेशन, स्लो यहां पर एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसा iOS के अंदर जो देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं यार किस तरीके का यहां पर एनिमेशन आप लोगों को एकदम स्मूथ यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों को ये जो थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप लोग सिंपली जो यहां पर जाके बैलेंस या फिर फास्ट कर सकते हैं। जैसे फास्ट करोगे तो यहां पर देख सकते हैं एनिमेशन आप लोगों को काफी ज्यादा फास्ट यहां पर हो जाते हैं। तो ये जो अब पहले ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था, मतलब मिलता था जो कि आप लोगों को 4.27 वर्जन के साथ, लेकिन यार उसके अंदर जो थोड़े बहुत जो इशू चल रहे थे उसे फिक्स कर दिया है और उसके जो नाम वगैरह यहां पर चेंज कर दिया है, जो कि यार आप लोगों को समझने में अच्छा लगेगा, मतलब यार ज्यादा आप लोग सही से यहां पर समझ सकते हो। तो ये जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो कौन सा आप लोगों को यहां पर रखना है। बाकी यार इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट सब कुछ पहले के जैसा ही देखने को मिल जाता है। बाकी यहां पर डोंट शो टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन है, जैसे आप इसे इनेबल कर देते हो तो यहां पर देख सकते हैं आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है उन सबका नाम जो यहां पर हाइड हो जाता है। ये जो पहले भी हमें देखने को मिल जाता था लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पर सिर्फ बता दिया है, बाकी आप लोग जो इसे यूज करे ना चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ और अपडेट निकल के सामने आया है, रिलीज हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर करूं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग जो सिस्टम लॉन्चर का 4.27 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप लोग जो डेफिनेटली इसे जो है यूज करके देख सकते हैं, आप लोगों को डिफरेंट पता चलेगा कि भाई उसके अंदर और इस वर्जन के अंदर जो क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है, किस तरीके का परफॉर्मेंस है, आप जो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।